अस्सलाम वालेकुम, तमाम आलम इस्लाम को जुमा की मुबारकबाद देता हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम के पास आज मीटिंग तलब किया गया था। यहाँ पर लायक हुसैन बदल साहब, बैतुल माल, तमाम यादगीर के जिम्मेदारान मिलकर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नगर सभा कमिश्नर, जो कुर्बानी को लेके जो बड़े जानवर ना काटे, छोटे जानवर काटे, और बड़े में गायें हो या बैल हो या ऊंट हो, इसका जिक्र है कर्नाटक सरकार का सर्कुलर में, और कानून का पालन करे, जैसे के शांति अमन के साथ में हिंदू मुस्लिम सभी जिस तरह से हर साल ईद बनाते हैं उसी तरह से ईद बनाएं, और यादगीर के तमाम अतराफ जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने चेक पोस्ट लगाए हैं, कोई भी अपनी मनमानी करके अगर कोई जानवर लाकर कोई देख रहे कोई ना देख रहे बल्कि लाए, उसके जिम्मेदार वो होंगे। अगर लंगे हाथ अगर पकड़े जाते तो 3 से 5 साल तक उसको सजा भी होगी, 50,000 जुर्माना भी होगा और गाड़ी भी सीज होगी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ये बिल 2020 में पास किए थे। जैसा कि अभी दहशत का माहौल बना है, ये साल का नहीं है, 2020 से चल रहा, और कर्नाटक के माहौल बहुत नाजुक चल रहा है। कर्नाटक सरकार का जो सर्कुलर है उसको पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी खराब ना करे। खराब कोई अगर करा तो ये सिर्फ एक के ऊपर नहीं आता, सारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारा है उनके ऊपर आता। हम सब भाई भाई है, हम सब मिलकर ईद खुशी खुशी बनाए और बड़ा जानवर ना काटे। जय भारत। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अक्षय डिजिटल, अपोजिट पेटर इंग्लैंड शोरूम, बालाजी टेम्पल रोड, यादगीर। ಏಸುತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲಚಬುತ್ರ ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ನೋ ಡೊನೇಷನ್. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9945570927 9972285.